आप सब कैसे हैं? आज हम आपका न्यू टॉपिक और न्यू वीडियो बनाने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका क्या है कि आपका एसए 2 का फर्स्ट टॉपिक है और इसी के बेस मतलब इस पे पूरा आपका चैप्टर है और काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और 10, 11 से 12 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आपको ये समझना होगा कि पॉलीनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं पॉलीनोमियल्स। ओके, इसे हम बहुपद भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, आपने ऐसे वन में पढ़ा था कि पॉलीनोमियल क्या होती है, कि आपकी पॉलीनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, चाहे ये आपकी ये हो सकती है ज़ीरो, चाहे आपकी ये हो सकती है, ओके, चाहे आपकी ये हो सकती है, ठीक है, डी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तीन फॉर्म हो सकती हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग और भी हो सकती हैं, 4 पावर भी हो सकती है, एक्स की मैक्सिमम पावर 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ठीक है, वो बाइनोमियल्स में आता है। ठीक है, वो आपका हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या है कि पॉलीनोमियल में आपने 3 चीज़ पढ़ी थी, अब उसके अकॉर्डिंग इसको हम डिवाइड करते हैं। पॉलीनोमियल बेसिकली 3 टाइप से होती है। पहला आपका होता है लीनियर इक्वेशन, जिसे हम रैखिक समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। ओके, तीसरा टॉपिक होता है आपका, तीसरा पॉइंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे कहते हैं त्रिघात समीकरण। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपका रैखिक होता है, इसका एक स्टैंडर्ड वो होता है फॉर्मूला। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपको समझ आ जाएगा कि आपका लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। ठीक है, तो आप इसको देखिए कि जो आपका लीनियर होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये। ओके, ओके, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, इसमें क्या होता है कि जो आपका ए, जो एक्स का हाइएस्ट कॉफिशेंट मतलब एक्स का हाइएस्ट कॉफिशेंट जो होता है उसका वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे एक्स का हाइएस्ट कॉफिशेंट ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, खाली बी बचेगा, वो क्या होगा आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खाली बी बचेगा और बी ये आपका जो ए और बी होता है वो क्या होता है, ए और बी आपका क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, जिसे हम वास्तविक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, ओके, इसे वास्तविक संख्या भी कहते हैं, ए और बी रियल नंबर होता है। ठीक है, और इसे वास्तविक संख्या भी कहते हैं। ओके, ऐसे इसी टाइप से क्या होगा कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जैसे इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 1 होती है। ओके, यहाँ 1 होती है पावर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। ओके, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यहाँ पे ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये आपको इस चैप्टर में काफ़ी देखने को मिलेगा, तो इसको दिमाग में बिठा लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, ए बी और सी क्या होगा आपका रियल नंबर होगा। ओके, और यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देखिए अब यहाँ पे समझिए, अगर यहाँ पर ए की वैल्यू ज़ीरो होती है तो ये पूरा पॉइंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर ये ज़ीरो होगा तो फिर क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी, तो ये इसी कंडीशन में जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, तो क्या हो जाएगी, फिर वो लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या है कि हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। ओके, ऐसे आपका क्यूबिक इक्वेशन में होता है। क्यूबिक में क्या होता है, वहाँ पे आपका 2 था। ठीक है, यहाँ क्या होगा आपका 3 होगा, सी एक्स इक्वल टू डी इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या होता है, एक्स क्यूब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी इक्वेशन दी हो उसकी हायर एक्स का हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए और आपका ए बी और सी और डी ये क्या होगा आपका रियल नंबर होगा। ठीक है, रियल मतलब वास्तविक संख्या होंगी। तो इस कंडीशन में क्या है,
ये आपको क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे एक ही वैल्यू जीरो रखूंगा तो क्या बचेगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू, मतलब फिर वो क्या होगा आपका, वो क्या हो जाएगा वहाँ पे आपका क्वालिटी हो जाएगा। हाँ, इसमें क्या है कि आपका बी जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर बी जीरो होगा तो ये पॉइंट आपका क्या होगा पूरा ये जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 रहेगी, तो यहाँ पे क्या होगा ये जीरो हो जाएगा वो चलेगा, बट यहाँ पे एक जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से क्या है कि इस टॉपिक मतलब इस चैप्टर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा बेसिक आपका पूरा इसी पे बेस है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए हम इसके कुछ टॉपिक्स देखते हैं, चलिए देखते हैं कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। का पहला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम टॉपिक में पढ़ेंगे आपका कौन कौन सी जो आपको इक्वेशन दी होती है, कौन सी आपकी द्विघात इक्वेशन होगी, या मतलब उसको पहचानेंगे कौन सी नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक में तो ये पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका सेकंड होता है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। इसमें क्या होता है कि आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि आपने जीरोस निकाले थे मिडल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, उसके थ्रू ही यहाँ पे क्या करेंगे क्वेश्चंस निकालेंगे, ओके। ये आपका सेकंड टॉपिक हो गया। थर्ड टॉपिक होगा आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। सॉरी, पहले से पहले ये होगा आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। ये आपका एक नया कॉन्सेप्ट है, ओके। इसमें क्या करेंगे, ये आपका क्या है कि जो आपके रूट्स होते हैं या जो आपके जो वैल्यूज हैं फाइंड करने के लिए, ये तो आपको आपने पहले पढ़ा होगा, ये आपका क्या है कि न्यू टॉपिक है। इसमें क्या करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं काफ़ी क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है। इसके थ्रू क्या करेंगे हम, यहाँ पे रूट्स निकालेंगे, ये आपका न्यू टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछ लेता है, ठीक है आपका। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, द्विघात समीकरण का द्विघात सूत्र द्वारा हल। ये आपका, ये भी आपका न्यू टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके आपको सॉल्व करना होगा। काफ़ी इजी टॉपिक है और इसको काफ़ी मतलब जल्दी भी समझ आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। फिर आपका न्यू टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। ये आपका काफ़ी छोटा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, बट इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इससे कम से दो वन मार्क्स क्वेश्चन भी आते हैं, या कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे या कोई आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो वहाँ पे इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, और समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं आपका पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चलिए आप देखते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बताना चाहूँगा क्या होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका ये होता है, ठीक है, इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो, ओके। जरूरी यहाँ प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ओके। और जो आपको ए बी एंड सी, ठीक है, आपका क्या होगा रियल नंबर होगा, ओके, वास्तविक संख्या जिसे कहते हैं हम वास्तविक संख्या, ओके ओके। तो अब क्या करेंगे हम, इसी के अकॉर्डिंग समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अब मैंने आपका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, आपको खुद समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहला आपका एग्जांपल है जैसे 2x² + 6, ओके। आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं होगा आप खुद सोचिए। देखिए आप इसको पहले इस फॉर्मूले को इसमें देखिए, अब यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होती है 2 होती है, तो यहाँ पर 2 है, ठीक है। बट यहाँ पे बी एक्स मतलब ये वाली फॉर्म नहीं है, तो क्या होगा, ये देखो मैंने आपको बताया था कि ये आपका होना कंपलसरी है, चाहे ये होना हो, ठीक है। तो क्या होगा आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ओके। सेकंड आपका मैं लिख रहा हूँ जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x = 6, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब इसको देखिए जरा, यहाँ पे x की पावर तो है बट यहाँ पे क्या है कि ये देखिए ध्यान से, अब मैं अगर रूट एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ये आपका रियल नंबर नहीं है, ठीक है, ये आपका रियल नंबर नहीं है, तो आप उस कंडीशन में क्या होगा, ये क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन है तो ये नहीं होगा, ओके। तीसरा आपका है, तीसरा आपको मैं लिखता हूँ जैसे एक्स स्क्वायर 1/x + 6, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं होगा, खुद सोचिए। देखो अब इसमें क्या है कि सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा कंडीशन और एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एक्स जीरो, ओके। ये इधर चला जाएगा तो क्या होगा x^4 = 2, ओके। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या होगी 4 होगी, और 4 वाली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, ठीक है, ओके। तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब इसी के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे अगर आपको 4th दिया हो जैसे 2x + 6x² + 6,
ओके तो ये आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगी नहीं होगी, जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या है कि जो हाईएस्ट पावर है एक्स की वो यहाँ पर लिख दिया मैंने, तो क्या होगी ये आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगी, ठीक है। इसी तरीके से आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको देखिए। मैंने तो आपको डायरेक्टली यहाँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी हुई है, बट वहाँ पे क्या है कि आपको सॉल्यूशन भी करना होगा, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए क्या है कि आप उसको पहले सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद आप चेक कीजिए कि इस वाले स्टैंडर्ड के फॉर्म में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आता है तो क्या वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगी, और नहीं आता है तो क्या वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं होगी, ठीक है। अब करते हैं आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हम। चलिए अब देखते हैं आपका सेकंड टॉपिक, इसमें क्या था आपकी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को तो पता होगा कि उन्होंने सेकंड चैप्टर में किया होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। कुछ को नहीं पता होगा, जिसको पता नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या करते हैं आपको मैं बेसिक से समझाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अब देखिए, पहले मैंने आपको क्या लिखा है, दो क्वेश्चन लिखे हैं, 6x² - x - 2 = 0, और सेकंड क्वेश्चन लिखा है 4√3x² + 5x - 2√3, ठीक है। मैंने आपको दो लिखे हैं, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन लिखा है, रूट वाला लिखा है, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली रूट वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से पहले आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपका ये इसका क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं है। तो इसके लिए पहले आपको ये देखना होगा कि इस फॉर्म में को लाई करता है नहीं करता है, ओके, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। ये बार बार मैं इसे लिखता हूँ कि ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो ये आपका लीनियर हो जाएगा, ओके। तो ये देखिए, इस फॉर्म को लाई करता है, यस बिल्कुल करता है, तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, 6x² x = 0। अब सबसे पहले आप इसमें देखिए ए बी और सी क्या होगा, इसमें देखो ए की वैल्यू 6 होगी, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, ओके। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए आप, इसमें ए और सी की मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 दी हुई है, अगर यहाँ पे क्या होता, कुछ नहीं दिया होता, 1 अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता उसका मतलब 1 होता, तब भी उसकी इंटीग्रल चेक करते, ये आपका रफली वर्क है। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे कर लीजिए, मैं अगर इसकी इंटू करता हूँ तो क्या आएगा 6 × 2, ठीक है, ये माइनस है तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा -12, ओके। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब क्या है कि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका बी, मतलब देखिए बी की वैल्यू क्या गिवन है, -1, ओके। अब ये जो मैं बताऊंगा वो ध्यान सुनिए, आपको 12 को मतलब ए और सी की जो इंटू करते हो 12 को ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना है, मतलब या वो स्प्लिट करना है या चेंज करना है, जिससे क्या है कि उसकी मल्टीप्लिकेशन तो 2 आए और एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या है ये आए। या ध्यान सुनिएगा मैंने क्या कहा है कि आपको 12 को ऐसे दो नंबर में चेंज करना है कि उसकी मल्टीप्लिकेशन तो 4 12 आए और उसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है 1 आए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे नहीं सकते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जैसे मैं कर लेता हूँ, सपोज b1 और b2 इक्वल टू b, ठीक है, मतलब ये प्लस माइनस कर सकते हैं यहाँ पे, और एक फॉर्म क्या है आपका b1 और b2 इक्वल टू ac, ओके। ये वही जो मैंने आपको बताया कि इंटू करके क्या है आपका ac आए और प्लस माइनस करके क्या है आपका b आए, ठीक है। मैंने दो नंबर लिख लिए b1 और b2, ठीक है। तो अब इसके अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, तो सबसे ईजी तरीका क्या है, इसके फैक्टर कर लीजिए, उससे आप ईजी समझ जाएंगे आप, ठीक है। 12 के फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, 2 से सबसे छोटी यूनिट से करते हैं 6, फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3 और यहाँ 3 1, ओके। आपके ये वैल्यूज आई हैं, तो इन वैल्यूज़ को आपको क्या करना है कि चेंज ऐसे करना है कि इसी से आपके क्या आएगी मल्टीप्लीकेशन तो 12 आएगा, अब इन्हीं को क्या करना है पेयर में बना देना है कि आपका माइनस या प्लस करके क्या है वो आए, ठीक है, ये 1 आए। अगर मैं 4 - 3 करता हूँ तो क्या आएगा आपका 1 आएगा, गुड। अगर 4 × 3 करता हूँ तो क्या आएगा 12 आएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है मैंने कि उसके क्या बताया आपको, मैं देखो यहाँ पे क्या इसकी पहले मैंने फैक्टर कर लीजिए, फिर इसको यूनिट में कर लेते हैं, ठीक है। कोई सा भी नंबर हो उसका फैक्टर कर लीजिए, उससे आप ईजी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, सबसे काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट होता है। अब ये देखिए, अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, क्या होगा, यहाँ तक आपके क्लियर था, अब इसको लिखते हैं, ठीक है, 6x², अब ये देखिए 1 है, 1 की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 3 और यहाँ 4 लिख लेते हैं, 4 और 3 एक्स ऐसे रहने देते हैं 2 = 0। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा 6x², ओके, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4x और यहाँ पे क्या आएगा 3x2, ओके, ये आपका क्लियर है, यहाँ तक तो कर लोगे आप। अब उसके बाद क्या है कि देखो इसको पेयर में डिवाइड कर लीजिए, अब इसमें से कॉमन लीजिए, देखो इसमें कॉमन क्या है, अगर आपको कॉमन डायरेक्ट लेते तो ठीक है, अगर नहीं आता तो सबसे पहले सबसे इजी तरीका क्या है कि इसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे क्या है कि यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे 3x, ओके। तो
तो यहाँ क्या बचेगा आपका x बचेगा, यहाँ पे सब बचेगा 2x बचेगा क्योंकि इसके सेंट टू करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा आपका 3x, एक मिस्टेक है यहाँ पे देखो। अब इन दोनों में कॉमन हम ये नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 नहीं हो पाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस, अब यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, अब देखिए इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है नहीं, इसमें जिसमें कॉमन नहीं होता तो क्या करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे 1 रख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस क्यों आया क्योंकि ये साइन था ये इस वाले साइन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम ऐसे लिख लेंगे। ओके, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? अब इसको क्या करेंगे, दो एक बार ऐसे लिख लेंगे